दोस्तों नमस्ते। जो मुझे देखता है वह मेरा भगवान है, ऐसे भगवान को नमस्ते करता हूँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आज के विषय में कि परिवार में शांति कैसे हो। हम परिवार में रहते हैं, मानव सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन क्या कभी हम परिवार में शांति का अनुभव करते हैं? आज के समय में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि अपने आप को शांति का अनुभव नहीं करते हैं और समय जो है वह निकलता जाता है। तो परिवार में शांति कैसे आए, इसके लिए बहुत से परिवार अव्यवस्थित रहते हैं, परेशान रहते हैं और परिवार में शांति के लिए कुछ न कुछ प्रयास व्यक्ति अपने तरीके से करते रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवार में शांति का मुख्य जो कारण है वह आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परिवार में यदि आप शांति हमेशा चाहते हैं और परिवार का विकास चाहते हैं तो उसके लिए सुबह जब आप उठते हैं उस समय उठने के बाद आपको कुछ ना कुछ समय भगवान राम की कथा सुनने में परिवार को रहना चाहिए, जिससे कि परिवार में राम का स्मरण करने से, उनकी कथा सुनने से निश्चित रूप से सुख और शांति का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह मेरा वास्तविक रूप में अनुभव किया हुआ है और इसका प्रभाव मेरे जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए इसको मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि हम जब भगवान से जुड़ते हैं। ये रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें परिवार की सुख शांति और समृद्धि सभी प्रकार से विकास छिपी हुई है। वास्तविकता में राम की कृपा, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए, राम की कृपा यदि है तो वह परिवार कभी भी अशांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए हम राम का स्मरण करें और राम कथा अपने परिवार में कुछ ना कुछ समय सुबह सभी एक साथ मिलकर शेयर करें, सुनें। इस कारण से हमें बहुत सुख शांति अनुभव होती है और वह सुख शांति लंबे समय के लिए रहती है। दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्ते।